उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मसले को 24 घंटे के भीतर निपटाने का दावा किया है। उनका कहना है कि राम मंदिर मसले पर लोगों का धैर्य समाप्त हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस विवाद पर जल्द आदेश देने में असमर्थ है। उन्होंने कहा इसे हमारे हवाले कर देना चाहिए और 24 घंटे के भीतर इसका समाधान हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया कि क्या वह अयोध्या मसले का समाधान बातचीत से करेंगे या डंडे से, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले अदालत को मसले को हमारे हवाले करने दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं अब भी अदालत से विवाद का निपटारा जल्द करने की अपील करूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ ने 30 सितंबर 2010 को भूमि बंटवारे के मसले पर आदेश नहीं दिया, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि बाबरी ढांचा हिंदू मंदिर या स्मारक को नष्ट करके खड़ा किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाई कोर्ट के आदेश पर खुदाई की और अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि बाबरी के ढांचे का निर्माण हिंदू मंदिर या स्मारक को नष्ट करके किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा, टाइटल का विवाद अनावश्यक रूप से जोड़कर अयोध्या विवाद को लंबा खींचा जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से लाखों लोगों की संतुष्टि के लिए जल्द से जल्द न्याय देने की अपील करते हैं, ताकि यह जन आस्था का प्रतीक बन सके। अनावश्यक विलंब होने से संस्थानों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक लोगों के धैर्य और भरोसे की बात है, तो अनावश्यक विलंब से संकट पैदा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि अदालत को अपना फैसला जल्द देना चाहिए। अगर वह ऐसा करने में असमर्थ है, तो वह मसला हमें सौंप दें। हम राम जन्मभूमि विवाद का समाधान 24 घंटे के भीतर कर देंगे। हम 25 घंटे भी नहीं लगने देंगे। आप किस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बता रहे। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉप 10 न्यूज चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।